बनाने और भविष्य की राजनीति को आगे तक ले जाने के लिए बीजेपी संगठन अब सेकंड लाइन लीडरशिप को तैयार करने में जुट गई है, जिसके तहत बीजेपी युवा चेहरों का संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बीजेपी ने संगठन का कुनबा बढ़ाने के लिए युवा चेहरों को संगठन में जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। जिस तरह कांग्रेस ने देश में लंबे समय तक राज किया, ठीक उसी तरह बीजेपी भी देश में लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रहना चाहती है, और ऐसा तभी होगा जब बीजेपी संगठन में युवाओं को तवज्जो दी जाएगी। इसलिए पार्टी सेकंड लाइन लीडरशिप में युवा नेताओं की एक बड़ी खेप तैयार कर रही है। प्रदेश महामंत्री खजान दास के मुताबिक बीजेपी ने पिछले चुनावों में ही इसकी शुरुआत कर दी थी। देखिए, भारत देश युवाओं का देश है, और कुल मिलाकर के देखा जाए तो 70% से अधिक लोग युवा निवास करते हैं भारतवर्ष में, और भारतीय जनता पार्टी भी युवाओं को तरजीह देने का काम कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी युवाओं को आगे लाने का काम कर रही है। आपने देखा होगा, चाहे संसद के अंदर हो, विधानसभा के अंदर हो, चाहे हमारे पंचायत चुनाव में देखा गया है, तो युवा ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, और सेकेंड लाइन की लीडरशिप भी को भी तरजीह देनी पड़ेगी, उनको बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा। यूं तो बीजेपी का दावा है कि वो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बनकर उभर रही है। इसमें 18 करोड़ सदस्य हैं। बीजेपी के युवा नेता जितेंद्र रावत का मानना है कि पार्टी का ये अच्छा कदम है, अगर पार्टी युवाओं को जोड़ने का काम करेगी तो इससे न केवल पार्टी बल्कि युवाओं को भी हौसला मिलेगा। क्या जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर भारत सबसे युवा देश है, उसी के मुझे लगता है कि उसी लाइन को आगे लेते हुए पार्टी ने भी ये विचार किया है कि पार्टी के भीतर भी सेकंड लाइन लीडरशिप जो है वो तैयार होनी चाहिए, और निश्चित रूप से आज का युवा अपने कांधों पे जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, और बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी को वो बखूबी अपने नए विचारों के साथ, अपनी ऊर्जा के साथ पूरा करने में सक्षम है। निश्चित रूप से अगर पार्टी कहीं सेकंड लाइन लीडरशिप को उभारने के लिए और उनको तैयार करने की योजना बनाती है। प्रदेश और केंद्र की सत्ता पर काबिज होना है तो बिना युवाओं के वोट के इतना बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। 2014 में आए परिणाम इस बात का सबूत है, इसलिए बीजेपी ने भविष्य की राजनीति और लंबे समय तक सत्ता में रहने के लिए युवाओं को न सिर्फ पार्टी से जोड़ा है बल्कि युवाओं को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी भी देने जा रही है। देहरादून से के न्यूज के लिए हरीश खनेड़ा की रिपोर्ट।